एक बियावान जंगल में चुंडू और मुंडू नामक दो राक्षस विचरण किया करते थे। दरअसल उस जंगल पर उन्हीं का आधिपत्य था। वे दिन रात जंगली जानवरों को मारकर खाया करते और ताड़ी पीकर मस्त रहा करते थे। एक बार वे विचरण करते हुए एक गांव के निकट जा पहुंचे। उस गांव की एक झोपड़ी में उन्होंने एक कन्या को देखा तो उनके मुंह से पानी टपकने लगा। वे आपस में कहने लगे कि आज इस कन्या का ही मांस खाएंगे। वैसे भी मानव मांस खाए काफी समय बीत गया है। इस प्रकार वे दोनों झोपड़ी के पास जाकर उस कन्या को भयभीत करने लगे, लेकिन वो कन्या निर्भीक थी और आतिशबाजी का काम करती थी। बम पटाखे फुलझड़ियां बनाकर गांव गांव बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। उसके पास बर्तन तो कोई विशेष नहीं थे, केवल एक बड़ा सा मटका था जिसमें वो अपना सामान रखती थी। उसने चुंडू मुंडू को चेतावनी देते हुए कहा, यहां से चले जाओ, क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो? अभी मेरा पालतू भूत इस मटके में सो रहा है, यदि ये जाग गया तो तुमको मारकर खा जाएगा। वे बोले, अरे हम तो खुद ही मांसाहारी हैं, वह हमें क्या खाएगा, हम ही उसे खा जाएंगे। इत्तफाक था कि चुंडू मुंडू ने भूत के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्हें बस इतना ही पता था कि भूत ताकतवर होता है और जिस किसी के शरीर से चिपट जाता है अदृश्य रूप से उसका खून चूसकर उसे मौत के घाट उतार देता है। चुंडू ने मुंडू से कहा, क्या विचार है, आज भूत भी देख ही ले? आज तक सुना ही सुना है, कभी देखा नहीं इस विचित्र जीव को। मुंडू बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज भूत से भी मुलाकात कर ही लेते हैं, देखें वो कितना ताकतवर है। इतना कहकर वे दोनों उस कन्या पर झपट पड़े, लेकिन कन्या ने जैसे तैसे अपना बचाव किया और मटके में रखे बम पटाखों में तीली लगा दी। देखते ही देखते बम पटाखे फूटने लगे और जोर के धमाके के साथ मटके में से धुआं भी निकलने लगा। अभी चुंडू मुंडू धुएं को देख ही रहे थे कि तभी एक और जोरदार धमाका हुआ। अब वे सोचने लगे कि शायद भूत क्रोध में है। जब इसका क्रोध इतना जबरदस्त है तो मटके से निकलने के बाद ये हमारा क्या हाल करेगा, ऐसा सोचकर चुंडू मुंडू वहां से भाग निकले। कथासार, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से काम लेने पर बलशाली शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता।